सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एस्क्लेयर क्रीम्स के बारे में। एस्क्लेयर क्रीम्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन लगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हुए किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और उसके ऑलरेडी ब्रांड मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल है और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को क्यों रिकमेंड करते हैं, तो एस्क्लेयर क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी की वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं एस्क्लेयर क्रीम, जो कि हमारे पास 10 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 225 यानी कि 225 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। एस्क्लेयर क्रीम को एलकम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स और डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। एस्क्लेयर क्रीम के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है ओजिनोक्सासिस 1% वेट बाय वेट्स, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है ओजिनोक्सासिस क्रीम्स 1% वेट बाय वेट्स। एस्क्लेयर क्रीम्स के यूज़ के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट करता है इम्पिटिगो के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इम्पिटिगो का इलाज यानी कि एस्क्लेयर क्रीम्स एक एंटीबायोटिक्स दवाई है जिनका उपयोग वयस्कों और बच्चों 2 महीनों और उससे अधिक उम्र के इम्पिटिगो नामक तवसा इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्फेक्शन के कारण होने वाली खुजली, सूजन और लालिमा से राहत पाने के लिए इसको दिन में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल किया जाता कर सकते हैं। यानी कि सरल भाषा में बताएं तो एस्क्लेयर क्रीम्स का इस्तेमाल तवसा में इन्फेक्शन यानी कि इम्पिटिगो के इलाज के लिए एस्क्लेयर क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। एस्क्लेयर क्रीम्स किस प्रकार काम करता है, एस्क्लेयर क्रीम्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि ओजिनोक्सासिस वो एक क्लिनोल्स एंटीमाइक्रोबियल दवाई है। ये बैक्टीरियल सेल्स में प्रवेश करता है और बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि डीएनए के गुणन के लिए आवश्यक बैक्टीरियल एंजाइम्स को रोकता है। ये मुख्य रूप से तवसा में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होता है। एस्क्लेयर क्रीम्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा और उसके अल्टरनेटिव ब्रांड भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि जिम्बा क्रीम्स, बीओस क्रीम्स, ओजीरोस 1% क्रीम्स, रूज 1% क्रीम्स, ओजिगो क्रीम्स या इम्पिनोस क्रीम्स, तो इसके अल्टरनेटिव ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। उसका मॉलिक्यूल्स होता है ओजिनोक्सासिस क्रीम 1% वेट बाय वेट्स, तो लेस वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा और इजीली कहीं पर भी अवेलेबल रहता है। तो एस्क्लेयर क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में क्रीम्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से एस्क्लेयर क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो एस्क्लेयर क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट अपनी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया है वहाँ पर बताएं। एस्क्लेयर क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था। कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।